हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर अवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की बहुत बड़ी शुभकामनाएं और माँ लक्ष्मी और कुबेर जी आपको वेल्दी रखे हेल्दी रखे ओके आपके पास स्टॉक मार्केट से इतना पैसा कमाए कि पैसा रखने की जगह ना हो इस तरीके से तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम आज की डेट में एक स्टॉक से रिटरी बातें करते हैं सबसे पहले एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है दिव्यांग इंटरनेशनल से जाके देख लीजिएगा क्या हुआ है आज किस तरीके से यहाँ पर क्या करना चाहिए उस रीट का जो आपको जवाब मिल जाएगा और हम बात करने वाले हैं आज एक पर्टिकुलर स्टॉक से जिसका नाम है अगर मैं आपको नाम बता दूं तो शाम मेटालिक शाम मेटालिक से रिलेटेड बातें करेंगे जानेंगे बट बिफोर दैट शाम मेटालिक में आगे बढ़े जाने उस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड क्यों मैं आपको बता रहा हूँ क्यों बार बार इससे रिलेटेड बातें की जा रही है

का। हाई की बात चार सौ इकसठ रूपए चौतीस पैंतीस परसेंट ये शेयर यहां पर डाउन हो चुका है और यहां पर देखे आज के दिन में तो इक्यावन परसेंट की डिलीवरीज भी यहाँ पर उठाई गई है यहाँ पर अगर हम देखे तो यहाँ पर रिजल्ट है इसके आठ नवंबर को आठ नवम्बर को इसके रिजल्ट है एज वेल एज यहाँ डिविडेंड देगी ये कंपनी और कंपनी यहाँ पर पहले भी इसके दो बार रिजल्ट आ चुके हैं दोनों बार हमने जुलाई में इसके रिजल्ट देखे थे Q4 के या Q1 के और रिजल्ट की बात करें तो कंपनी एक फंटास्टिक कंपनी यहाँ पर नजर आती है सबसे पहले हम बात करेंगे श्याम मेटालिक करती क्या है आपको जैसे कि हमने देखा है इसका नाम के पीछे मेटालिक लिखा हुआ है एज वेल एज यहाँ पर अगर हम देखते हैं श्याम मेटालिकीडिंग इंटीग्रेटेड मेटल प्रोड्यूसिंग कंपनी बेस इन इंडिया विद फोकस ऑफ लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट्स एंड फेरोल तो मतलब फेरोज एज वेल एज लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट्स बनाती हुई दिखाई देती है और इंस्टॉल कपेसिटी इंडिया एंड हैजिलिटी टू सेल इंटरमीडियट फाइनल प्रोडक्ट अक्रॉस द स्टील वैल्यू चेन तो अगर हम बात करें ये जो कंपनी है ये काफी बेहतरीन कंपनी नजर आती है मेटल से रिलेटेड कंपनी है और हमने अभी देखा है कि जिस तरीके से आ, सेल के रिजल्ट आए थे जिस तरीके से जे एच डब्ल्यू के स्टील के रिजल्ट आए थे और जितने भी ये कंपनीज है स्टील से रिलेटेड सबके कंपनी के रिजल्ट देखे थे सबके ए वन रिजल्ट आते हुए दिखाई देते दिखा काफी बेहतरीन हम यहाँ पर देखे तो देखिए एम्प्लॉय ग्यारह चार सौ सत्तावन एम्प्लॉयज है ये रेटिंग पे मत जाइए रेटिंग ऐसी आती रहती है जाती रहती है इस रेटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता फाइव पॉइंट सेवन वन मिलियन मिलियन टन पर परम की इनकी कंबाइंड यहाँ एँ पर कैपेसिटी है एल्यूमिनियम फॉलेज में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम शीट्स

इस कंपनी का वो उसी को ही रीयूज करने में भी ये कंपनी बड़ा काम कारगर है और बात करें ये कंपनी के अगर हम बात करें क्लाइंट्स की तो देखिए बड़े बड़े जितने भी सेल टाटा स्टील जीएसडब्ल्यू लार्सन टूब्रो भेल अडानी ये जितने भी बड़े बड़े जितने भी स्टील से रिलेटेड कंपनी है ये सारी की सारी कंपनी इनके क्लाइंट्स है तो यहाँ पर बड़ी बड़ी कम्प, क्लाइंट्स कंपनीज को ये अपने प्रोडक्ट्स देते हुए नजर आती है तो काफी वन ऑफ द ग्रेट कंपनी यहाँ पर नजर आती है जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा हमेशा बता रहा हूँ जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा ये कंपनी

नीचे आती है बेहतरीन चीजें उठा लेना चाहिए सोचना नहीं चाहिए सेल्स की बात करें तो सेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स यहाँ पर हर क्वार्टर में यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है यहाँ पर पेंडेमिक का असर अच्छा था इसकी वजह से थोड़ी सी गिरी फिर उसके बाद यहाँ पर भागती हुई दिखाई दी और हाईएस्ट है सेल्स और इस बार की जो सेल्स आएगी फिर दोबारा बढ़ती हुई नजर आएगी क्यों क्योंकि सभी जितनी भी सेल्स की कंपनी है स्टील की कंपनी है वो सारी की सारी भागती हुई दिखाई दे रही है सबके नंबर आते हैं और जितनी भी कंपनी के नंबर आए हैं वो सारे के सारे इसके क्लाइंट है तो ऑब्वियसली बात है जब ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर सेल कर रहा है उन पर्टिकुलर कंपनी को उन पर्टिकुलर कंपनी को यहाँ पर अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो के भी रिजल्ट अच्छे आने हैं और इसके इस बार जो रिजल्ट आएंगे बेहतरीन आएंगे और ये कंपनी दोबारा यहाँ पर परफॉर्मेंस करके दिखाएगी इसके अलावा ईयरली बेसिस पे बात करें तो ईयरली बेसिस पे यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ये नहीं कि पैंडमिक में ही चल रही है पैंडमिक से पहले भी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है नेट प्रॉफिट इनका बढ़ता हुआ नजर आया और अगर हम बात करें रिजर्व की तो कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व है बॉराइंग की बात करें बॉराइंग कम होती ही नजर आ रही है अभी ये जब चीजें अपडेट होंगी तो और ज्यादा पता चलेगी आठ तारीख को वर्किंग प्रोग्रेस में पांच करोड़ रुपए लगा रखे इन्वेस्टमेंट दो करोड़ का तो कैश की बात करें तो कैश रिच कंपनी है अच्छे खासे कंपनी के पास तीन करोड़ की कैश भी है जो भी पैसा आता है बुक वैल्यू बुक में दिखाई देता है आर बढ़ती हुई नजर आती है और प्रोमोटर्स की होल्डिंग एटी है ये लेटेस्ट अब यहाँ पर चार्ट पैटर्न शेयर होल्डिंग पैटर्न है एटी की होल्डिंग है तो यहाँ पर प्रमोटर्स कभी भी अपनी हिस्सेदारी

यहाँ पर बात करते हैं हम श्याम मेटालिक के चार्ट पैटर्न की श्याम मेटालिक आपके सामने यहाँ पर ये यह चार्ट चार्ट पैटर्न यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत है अगर हम बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले तो हमें यही लग रहा था कि यहाँ से इस लेवल को नहीं तोड़ेगा काफी दिन तक यहाँ पर कंसोलिडेट भी किया बट ऑपरेटर्स जो कि होते हैं जब मालिक होते थे कि 34 परसेंट गिर चुका है तो यहाँ पर क्या होता है ऑपरेटर ऑपरेटर जो अच्छी चीजें होती है ना उसे बार बार गिरते हैं बार बार हैं तब तक गिरते हैं जब तक रिटेल इन्वेस्टर्स निकल जाए ना जाए और जब एक बार रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पर निकल जाते हैं ना आप क्या सोच रहे हो है? जो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है सात के शेयर के या ये रिटेल पब्लिक ने ले रखे है रिटेल पब्लिक के पास मुश्किल से एक या दो परसेंट के शेयर होंगे बाकी सारे शेयर यहाँ पर ऑपरेटर और बड़े लोगों के पास होंगे तो हाँ यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर्स अच्छी कंपनी के शेयर को पर बार बार इसलिए पर बार-बार गिरते गिरते हैं हैं इसलिए ताकि देखिए किसी ने यहाँ ले रखा होगा इतना चौतीस परसेंट गिर चुका है तो यहाँ पर उसकी उसकी सांसें फूल गई होगी और उसने यहाँ पर शेयर बेच दिए होंगे एज वेल well एज किसी ने यहाँ लिया होगा वो डर के मारे यहाँ बेच दिया होगा किसी ने यहाँ लिया होगा उसने डर के मारे यहाँ पर बेच दिया होगा और रिटेल इन्वेस्टर इतना डराते हैं इतना डराते हैं डरा डरा के चीजें यहाँ पर बेचवा देते हैं और जब रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पर बेचना शुरू कर देते हैं तब वो यहाँ पर खरीदना शुरू करते हैं इसलिए कहते हैं ना देखिए जब हम शेयर खरीदते हैं रिटेल जब वो है, तो शेयर गिरने लग जाते हैं और जब यहाँ पर वो बेचते हैं तब यहाँ पर भागने लग जाता है तो यही एक प्रोसेस होता है ये ऑपरेटर्स होते हैं ना ये प्रोमोटर्स से भी ज्यादा मायने रखते हैं किसी भी कंपनी में शेयर शेयर बाजार में तो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं तो उनका गेम प्लान समझना बहुत जरूरी है तो यहाँ पर शेयर को देखिए गेरा सपोर्ट लेवल ये वाला एक बेहतरीन सपोर्ट था बट उसने फिर भी यहाँ पर शेयर घेरा और यहाँ पर शेयर तक ले आया अच्छी खासी चली और यहाँ पर जून में आके अभी लगभग छह महीने हो गए अब यहाँ पर मुझे लगता है छे सौ रुपए सात सौ रुपए का टारगेट बहुत जल्दी यहाँ पर अचीव होता हुआ दिखाई देगा इस बार के नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेंगे नंबर अच्छे आएंगे और एक बार नंबर

शोल्डर बनाया यहां से हेड बनाएगी और यहां पर थोड़ा सा शोल्डर बना के यहाँ पर धीरे धीरे चीजें निकलेगी टारगेट तो पर तो टारगेटी मिलते हुए नजर ही आएंगे तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की बात होती है। के game plan समझने की बात बात होती होती है है ऑपरेटर के गेम प्लान समझने इसलिए हमेशा कहता हूं, जब पैसा लगाए तो एक साथ पैसा मत लगा दीजिए सारे स्टॉक्स में थोड़ा सा लगाइए थोड़ा गिर जाए तो फिर थोड़ा और लगा दीजिए थोड़ा और गिर जाए तो थोड़ा और लगा दीजिए एक एवरेज निकल के आएगी यहां पर किसी ने खरीदा होगा और तीन बार एवरेज किया होगा तो यहाँ की एक एवरेज निकल के आएगी यहाँ पर बीच में एक

मैटर करता है कि चीज़ों को समझा जाए मैंने भी यहाँ पर खरीदा है फिर मैंने एवरेज करके यहाँ पर लेके आया हूँ फिर एवरेज करके अभी कल के डेट में दोबारा थोड़ा बहुत यहाँ पर बाइंग करके और थोड़ा नीचे आएगा और जब चीजें निकलेगी तो अच्छा खासा प्रॉफिट एक साथ ही आता हुआ दिखाई देगा छह महीने तीन चार महीने से पांच महीने से जो वेट कर रहे हैं एक ही बारे में सारा प्रॉफिट आएगा अच्छा खासा तीस चालीस परसेंट का और अच्छा खासा प्रॉफिट लेके चुपचाप बैठेंगे बेचेंगे चीजें और फिर दोबारा जब नीचे आएगी दोबारा उसे बाइंग करते हुए नजर आएंगे तो इसी तरीके से चीजें चलती है इसी तरीके से हर किसी को मैं बताता हूँ अपने आ, हम अपने क्लाइंट्स को भी हम यहाँ पर इसी तरीके से रिकमेंड करते हैं हमसे कांटेक्ट करना है नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है कांटेक्ट करिए किस तरीके से चीजें खरीदी जाती है चीजें देखिए हम तो थोड़े बहुत ही चीज यहाँ पर खरीदते हैं ये बड़े लोगों का काम होता है बड़े लोग ही यहाँ पर चीजें करती हुई नजर आते हैं यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर छोटा सा कब भी रिवर साइड एंड शोल्डर बन रहा था यहाँ पर भी एक छोटा सा रिवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है और इस तरीके से जब चार्ट पैटर्न निकलते हैं चार्ट पैटर्न बेहतरीन नजर आते हैं चार्ट पैटर्न यहाँ पर भी बहुत बेहतरीन बनता हुआ नजर